ज्ञान की ओर सब मंजूर हुआ, लेकिन थोड़ा आप ज्ञान देश पर भिन्नता को देने के लिए ज्ञान का कार्य कर रहे हैं। बेटे में सर हैं भगवान प्रतिदिन बुला दिए गया, कितनी डुबकियाँ लगाओ आप तैरता हो मुझे, मैं तो 2 मिनट के लिए जब आपका मनोरंजन करूँगा। और मनोरंजन क्या है, एक चीज आप नोट कर लेना, जो भी प्राइवेट टीचर होते हैं जो लड़के पढ़ाते हैं जो कॉम्पिटिशन वाले पढ़ाते हैं उनसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता है। क्यों नहीं, अब लगभग आप देखो कई प्राइवेट टीचर पूरी उम्र पढ़ाने में बिता देते हैं लेकिन खुद दौड़ नहीं लगते। क्यों नहीं लगते, यदि कोई जीत के पढ़ाता तो जीत के भी दे जाता है आपके लिए इकट्ठा हो सकते हैं। आप यहाँ बैठे सारी क्लासें लगाओगे उस टीचर से पहले कई बच्चे ऐसे थे दौड़ लगाते लेकिन वो वही रहता था, ये मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इनमें मैं मनोरंजन का एक चुटकुला सुनाऊंगा आपको, आज फिर थोड़ा मनोरंजन करना तो मेरा कोई मेन उद्देश्य नहीं है। तो हुआ क्या, देखो एक प्राइवेट टीचर है, ये उसकी 40 साल के आसपास की, खूब पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाता था, फिर बच्चों को कोचिंग करवाता था। तो प्रेमराज ने बोले भाई इसका टाइम आएगा उठाया जाओ इसको, यमरूप से होगा तो काम था, चलो जी उठाया जाओगे। लेकिन वो क्या था, भक्ति करता था भगवान की, उसको ऐसा हाफ कह दिया पढ़ने वाले हैं, तो उसने ऐसा प्रबंध कर लिया कि जजी यमरूप आए आगे से दरवाजा बंद, और जो मूर्ति रखी हुई थी भगवान की उसने उसके सामने जा बैठा और क्या कि दीप जला दिया। उसने कोई युक्ति थी मंत्र पढ़े थे, जब तक ये दीप जलेगा यमदूत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और उसको ये भी पता था कि यदि ये एक भी नथ ने ऐसे ही निकाल दिया तो तेरे को मतलब 10-12 साल और मिल जाएंगे। तो जिस टाइम का यमदूत आए एक दो दिन बैठे वेट करे वापिस यमराज ने और फिर उसको पक्का प्रबंध कर दिया, बोले अंदर ये दरवाजा बंद है अब दीप जल रहा ना उजड़े दिन, बोले वो क्या बंदा किया।